वेलकम डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डेली करंट अफेयर फिफ्थ मई ट्वेंटी ट्वेंटी इज विच कंट्री विल रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया ने रिसेंटली एक कंट्री के बारे में ये अनाउंसमेंट की है कि वो मुल्क सऊदी के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर करेगा ये कंट्री कौन सी है दर इटनियर इज कनेडा आपको पता होना चाहिए कि 2018 में सऊदी अरबिया ने कुछ एक्टिविस्ट को इनप्रजेंट किया था जिस पर कनेडा ने बहुत तनकीद की थी तो सऊदी अरबिया ने कहा था कि ये इनका इंटरनल मैटर है और इनका कोई हक नहीं बनता कि वो इन पर तनकीद करे इसी वजह से सऊदी अरबिया ने कनेडा का जो मिशन था डिप्लोमेटिक वो सऊदी से निकाल दिया और इनका जो कनेडा में मिशन था वो सऊदी अरबिया वापस बुलाया और इसी तरह से दो से अब तक इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वह मुनक़े है तो रिसेंटली अब ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि ये अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से रिस्टोर करेंगे नेक्स्ट इज़ विच कंट्रीज़ प्राइम मिनिस्टर साइन अ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स विद चाइना ड्यूरिंग अ ट्रिप टू बीजिंग अन मई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी मई 2023 को कौन से मेल्का वजी अजम चाइना बीजिंग गए हैं जहाँ पर उन्होंने अ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स चाइना के साथ साइन किए हैं द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ रशिया रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिहाइल मिशुस्टिन जो है वो बीजिंग गए थे जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स जिसमें अक्सर एग्रीमेंट्स जो थे वो इकानमी से रिलेटेड थे और इकनॉमिक एग्रीमेंट्स थे वह उन्होंने साइन किए आपको पता होगा कि यूक्रेन वार की वजह से रशिया पे बहुत सारे पाबंदियाँ लगाई गई है स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो इसी वजह से ये जो एग्रीमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट रशिया के लिए बहुत मान्य और रखते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इज़

विच आर्टिस्ट नोन एज द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल पास अवे ऑन मई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एट द एज ऑफ एटी थ्री आफ्टर अलॉन्ग एलनेस त्रियासी साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद चौबीस मई दो हजार तेईस को किस आर्टिस्ट की फौदगी हुई है ये आर्टिस्ट क्वीन ऑफ राक एंड रोल के नाम से भी जानी जाती है द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज टीना टर्नर टीना टर्नर बेसिकली अमेरिकन थी और अमेरिकन नेशनल थी लेकिन बाद में वो स्वीडन चली गई थी और 2013 से वो स्वीडन नेशनल बन चुकी थी नेक्स्ट इज़ विच एक्शन डेट द लाहौर हाई कोर्ट टेक रिगार्डिंग द स्केजुअल फॉर द बाई पोर्स इन टू कंस्टिटुएंसीज ऑफ द नेशनल इसम्बली इन पंजाब इंक्लूडिंग फैसलाबाद एंड नंकाना साहिब पंजाब के नेशनल इसम्बलीज के टू कंस्टिटुंसीज जो कि फैसला आबाद और नंकाना साहिब है इनमें नेशनल इसम्बली के ज़मनी इंतबात मुतव़ थे लेकिन अभी लाहौर हाँ कोर्ट ने इसके बारे में जो कैजल था इसके बारे में एक और डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन कौन सा है द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज सस्पेंडिड लाहौर कोर्ट ने अब ये इंतबात सस्पेंड की है और ये इसलिए भी सस्पेंड हुए हैं कि पी टी आई के दो पिटिशन ने पिटिशन दायर किए थे इसमें यह था कि अगर कौमी जो जनरल इंतबात होंगे जनरल इलेक्शन को अगर नवे दिन रहते हैं तो इसी बीच ज़िमनी इंतबात नहीं हो सकते अब अगर जनरल इंतबात अपने टाइम पर होते हैं तो उसके मुताबिक नवे दिन से कम रहते हैं इसी वजह से इन्होंने ये इंतबात जो है ये सस्पेंड किए हैं नेक्स्ट इज़ इज़न इज़ द पोलिंग फॉर द मेयर एंड डिप्टी मेयर इन कराची इज़ टू टेक प्लेस कराची में मेयर और डिप्टी मेयर की पोलिंग कब कैजुल है द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ जून फिफ्टीन इसी साल जून 15 को मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन स्कैजल हुए हैं हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम स्टेबलिस्ट